जी अस्सलाम वालेकुम। ये आज हमारा दूसरा पेपर है ट्रस्टेड बैंक आइटम में, तो शुरू करते हैं जी। पहला सवाल है, डिडक्टिव रीजनिंग इज द फिलासफी विच कंसर्न विद। जो डिडक्टिव रीजनिंग है, ये अब हमने पढ़ा है, एक होती है इंडक्टिव और एक होती है डिडक्टिव। ये डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड भी बोलते हैं, रीजनिंग भी बोल देते हैं, रिसर्च में भी आता है, करीबन बहुत सी जगहों में इनका यूज होता है। डिडक्टिव जो हमारे पास होता है वो जनरल से स्पेसिफिक होता है, यानी इसके अंदर जब हम डिडक्टिव मेथड, मैं क्लासरूम में आया, मैं डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग से पढ़ा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आके बच्चों को मैं रूल बताऊंगा, असूल बताऊंगा, फार्मूला बताऊंगा, फिर मैं एग्जाम्पल की तरफ जाऊंगा। यानी जनरल चीज़ें पहले बता दूंगा, फिर स्पेसिफिक एग्जाम्पल उसकी बताऊंगा। तो ये हमारे पास होता है डिडक्टिव। ठीक है, इंडक्टिव में हम स्पेसिफिक से जनरल जा रहे होते हैं और वहां पे हम पहले एग्जाम्पल देते हैं, रूल्स बाद में बताते हैं। द प्रायोरी नॉलेज इज, जो पहले हमारे पास नॉलेज है, और जो नॉलेज हमारे पास पहले है वो इंडिपेंडेंट टू एक्सपीरियंस है। यानी उसको, जो नॉलेज मेरे पास पहले है उसको एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है, वो मेरे पास पहले ही है, तो इसको इंडिपेंडेंट टू एक्सपीरियंस बोलते हैं। द मेथड ऑफ इंडक्शन, वो स्पेसिफिक जनरल बात हो गई है पहले। पोस्टीरियर नॉलेज, जो बाद वाला नॉलेज होता है, और ये कहाँ किस पर ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड कर रहा होता है, जो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। प्रायोरी नॉलेज जो होता है वो एक्सपेरिमेंट से इंडिपेंडेंट होता है, एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं होती है, हमें जो चीज़ जानते हैं। और पोस्टीरियर नॉलेज जो होता है वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सोफिया, सोफिया कहते हैं विजडम को, यानी फिलासफी वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम फिला एंड सोफिया, फिला मीन लव एंड सोफिया मीन विजडम। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, जॉन डेवी की बुक है। एक्सपीरियंस एंड नेचुरल जो है वो नेचर, ये भी जॉन डेवी की बुक है। ठीक है, तो ये जॉन डेवी की दोनों बुक का नाम आ गया। आइडियलिज्म माइंड के साथ कंसर्न है, यानी आइडियलिज्म वाले स्पिरिचुअल की बात करते हैं, माइंड की बात करते हैं। ये कहते हैं कि थिंग्स आर टोटली डिपेंडेंट ऑन माइंड, हर चीज पहले माइंड में रिस्क करेगी, फिर वो चीज जो है ना वो रियल के अंदर हो। प्रैग्मेटिस्ट ओनली कंसर्न्ड विद, जो प्रैग्मेटिस्ट हैं ये किस चीज एक्सपीरियंस की बात करते हैं, भाई नॉलेज वही है, सच वही है जिसको एक्सपीरियंस के जरिए प्रूव किया जा सके, नथिंग एल्स। अच्छा जी, 10 है, रियलिस्ट अडॉप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फिजिकल वर्ल्ड थ्रू। जो रियलिस्ट है ये सॉल्व द प्रॉब्लम किसके जरिए सॉल्व करते हैं, ये सेंसेस के जरिए सॉल्व करते हैं। रेवलेशन वाले तो हो जाएंगे, ये आइडियलिज्म रैशनलिज्म भी इन्हीं में आता है, तो सेंसेस के जरिए जो होता है ना, ये होता है रियलिस्ट वालों का काम होता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो। एक्सियोलॉजिकल अप्रोच ऑफ आइडियलिस्ट, एक्सियोलॉजी वाले किसकी बात करते हैं, ब्यूटी की बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पे आगे एब्सोल्यूट एटर्नल, अब आइडियलिज्म वाले एटर्नल की बात करते हैं, अबदी अबदी हमेशा के लिए, एब्सोल्यूट मुकम्मल तौर पे, एंड परमानेंट हमेशा एक ही चीज है, ब्यूटी की बात। ये वाला सी ऑप्शन, बी ऑप्शन ठीक होगा। यहां आप इसकी तरफ नहीं जाएंगे, नेचर लॉ एंड नेचर ब्यूटी ये तो हो सकते हैं बदलती रहे, वो फिक्स की बात करते हैं। कल द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी कंसर्न्ड विद रीजनिंग, रीजनिंग की तरफ कौन आता है, ये मेटाफिजिक्स वाले आते हैं। देखें एथिक्स वाले तो कह रहे हैं कि अखलाकी, एपिस्टेमोलॉजी नॉलेज और सोशल नॉलेज। मेटाफिजिक्स कहते हैं व्हाई आई एम हेयर, व्हाई आई एम बीइंग क्रिएटेड, व्हाई दिस यूनिवर्स इज बीइंग मेड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस यूनिवर्स, व्हाट गॉड डज, ये सारी बातें जो करते हैं ये करते हैं मेटाफिजिक्स वाले। ठीक है, 13 है, फिलासफी इज एन इंटेलेक्चुअल और मॉरल एक्टिविटी। फिलासफी इंटेलेक्चुअल और मॉरल एक्टिविटी है, ये कौन कहता है, ये आप लोगों ने सर्च करना है, मुझे भी बताना है कि इंटेलेक्चुअल और मॉरल एक्टिविटी की बात यहाँ पे कौन करता है। मैं इसको चेक भी नहीं किया और मुझे इसका कंसर्न भी नहीं था, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा, आपने बताना है। 14 है, द ऑथेंटिक सोर्स ऑफ नॉलेज टू फाइंड आउट द ट्रूथ अबाउट अल्टीमेट रियलिटी इन इस्लाम। इस्लाम के अंदर तो जो रेवलेशन है ना, ये ऑथेंटिक यानी दीन अकल के ऊपर गालिब है, अकल दीन के ऊपर नहीं। दीन ने जो बात कर दी है वो अकल के तकाजे के ऊपर पूरी नहीं भी उतर रही, वो बात जो है वो ओके होगी। अच्छा जी, ये कौन से सवाल कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है 15, द बुक टाइम, ये पता है जो हम डेवी ने लिखी है, सवाल रिपीट हुआ है। द मेटाफिजिक्स ऑफ प्रैग्मेटिस्ट फिलासफर इज, तो ये एक्सपीरियंस की बात करेंगे ना, प्रैग्मेटिस्ट आ गया तो एक्सपीरियंस की तरफ भागेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेज इन फंडामेंटल वैल्यूज एटीट्यूड बिहेवियर।
किधर चला गया, एटीट्यूड बिहेवियर अमंग पीपल इन डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट कंट्रीज। तो यानी जो लोग हैं ना, इनके बिहेवियर को देखना, इनकी वैल्यूज को, इनके एटीट्यूड को मुख्तलिफ लोगों के देखना, मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर देखना, तो इसे एंथ्रोपोलॉजी, यानी ये एक ब्रांच है जिसके हम अंदर हम इंसानों को परख रहे थे, इंसानों को देख रहे थे, एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। इट इन वट काइंड ऑफ नॉलेज कम फ्रॉम अल्लाह, रेवलेशन है, द नॉलेज विच अ पर्सन गेन्स बाय हिज थिंकिंग प्रोसेस। तो इंटेलेक्चुअल नॉलेज हो जाएगा, थिंकिंग प्रोसेस से जो नॉलेज आ रहा है, द नॉलेज विच अ पर्सन अबटेन विदाउट एनी एफर्ट, किसी कुछ किए बगैर, तो ये इंस्टेंट होगा। यानी जो मेरी चीज जिबलत के अंदर है, फितरत के अंदर है, कुछ सीखा नहीं है, कुछ बताया नहीं गया, कुछ सोचा नहीं है, वो मेरी फितरत के अंदर है, तो वो इंस्टिंक्ट हो जाएगा। सेल्फ प्रिपरेशन एंड बैलेंस पर्सनैलिटी, इस्लाम कहता है कि इंसान की जो पर्सनैलिटी है बैलेंस पर्सनैलिटी होनी चाहिए, उसको सेल्फ प्रिपरेशन होनी चाहिए उसकी, ठीक है। इन विच आर फॉलोइंग नॉन रैंडम सैंपलिंग टेक्निक डज द रिसर्चर आस्क द रिसर्च पार्टिसिपेंट टू आइडेंटिफाई अदर पोटेंशियल रिसर्च पार्टिसिपेंट्स। एक ऐसी नॉन रैंडम सैंपलिंग टेक्निक जिसके अंदर रिसर्चर जो है ना, जो बंदा उसे मिला है, उसे कहता है मैंने अपने बदल के और बंदे लग गए थे। मिसाल के तौर पर मैं डेंगू के ऊपर कर रहा हूँ रिसर्च, मैं अस्पताल गया तो यहाँ तो डेंगू के सिर्फ दो मरीज बच गए हैं, बाकी तो घर चले गए हुए हैं। मैंने इनसे जो डाटा लेना था ले लिया, मैंने कहा ताड़ी मेहरबानी मुझे दो बंदे और बता दो, दो तू बता दे मेरी रिसर्च है, मुझे बंदों की जरूरत है। वो बताएगा यार मेरे बेड पर ना, यार साथ वाले बेड पर फलां बंदा था, उसको भी डेंगू था, ये उसका नंबर है, आप उससे रब्ता कर लें। मैंने दोनों से दो दो बंदे पूछ लिए, मैं भाग गया उनकी तरफ, फिर उन्हें कहा यार एक एक बंदा और दस दो। इस तरह का जो चेन चल रही होती है, स्नो बाल सैम्पलिंग कहती है। स्नो बाल का वर्ड निकला है कि पहाड़ के ऊपर से ना, जहां बर्फ बर्फबारी होती है और वहां पे एक तोता सा जो है ना वो गिरे बर्फ का, और जब वो ऊपर से घसीट तो नीचे आता है तो उससे सब बर्फ जो है ना वो क्या होती है, चमड़ती जाती है, अच्छा चिपकती जाती है, और वो इतना गोला बनता बनता बहुत बड़ा जो है ना वो गोला बन जाता है, नीचे आके पूरा पहाड़ बन जाता है। तो ये इसको हम बोल रहे होते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। 20 द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ अ पॉपुलेशन फॉर अ सर्वे इज नोन एज, पॉपुलेशन का सबसे इससे सैम्पलिंग बोलते हैं। यानी पॉपुलेशन एक बड़ी पॉपुलेशन है, पूरे पंजाब मेरी पॉपुलेशन है, उसमें से चंद लोग लेता हूँ जो मेरी जो रिसर्च को है उसको आइडेंटिफाई सैम्पलिंग बोल रहे हैं इसे, ठीक है। अ कंडीशन आर करेक्टरिस्टिक डेट कैन टेक ऑन डिफरेंट वैल्यूज आर कैटेगरी, इसे कहते हैं वेरिएबल कहते हैं, क्या कहते हैं वेरिएबल। यानी वो कंडीशन जो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कैटेगरी, आए जूता उतार दो, मैंने कहा थोड़ी सी ना पाँव को भी हीट लग रही है, तो उसे वेरिएबल बोलते हैं, जिसको कंट्रोल किया, जिसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, जो उसके ऊपर असरअंदाज हो रहा होता है, जिसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, ये वेरिएबल होती हैं। 25 है विच आर द फॉलोइंग इंक्लूड एग्जांपल ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। अब एज क्वांटिटेटिव है, टेम्परेचर, इनकम, हाइट, सारे ग्रेड पॉइंट, एवरेज रीडिंग परफॉर्मेंस, वेट, ये सारे हैं। जेंडर, रिलीजन, ब्यूटी, ये रिलीजन को नहीं कह सकते, रीजन एक, रीजन दो, रीजन तीन नहीं कह सकते ना। ब्यूटी, हाँ भाई एक नंबर सोना, दो नंबर सोना, तीन नंबर सोना नहीं कह सकते। जेंडर, एक नंबर छुअर, दो नंबर छुअर, बदल नहीं कहना चाहिए मुझे, डिसेंट वर्ड यूज करने चाहिए, और चूंकि आप लोग प्रोफेशनल हैं और मैं भी टीचर ही हूँ, चलो सॉरी माजरत। अच्छा बच्चों को पढ़ा पढ़ा के ना मेरी कम्युनिकेशन ऐसी हो गई है, मतलब शुरू में 5 साल बच्चों को पढ़ाया, अब तो साल तो हो रहा है मुझे इधर, और अभी तक वो आते नहीं जा रहे, पिछले जो 5 सालों में छोटे बच्चों ने सिखाई हुई है ना प्राइमरी वालों ने, वो आते मेरी नहीं जा रही। अल्लाह करम करेगा जी हमारी भी उर्दू स्पीकिंग जो है वो ठीक हो जाएगी। ए एंड बी जो है वो ठीक ऑप्शन है। 26 है द नॉन रैंडम सैम्पलिंग टाइप दैट इन्वॉल्व सिलेक्टिंग अ कन्वीनियंस सैम्पलिंग, बड़ा सुकून पुरसकून अंदाज से सैम्पलिंग करनी है, जो मिल गया ठीक है, जो आपने कह दिया ठीक है, तो इसको प्रपोजिव सैम्पलिंग बोलते हैं, जो मिल गया यार, जहां मिल गया उसको प्रपोज कन्वीनियंस नहीं यार, क्या कह रहे हैं, नॉन रैंडम सैम्पलिंग टाइप डेट इन्वॉल्व सिलेक्टिंग कन्वीनियंस सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद अ स्पेसिफिक सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स टू यूज दिस। हाँ पहले जब किया कन्वीनियंस तो फिर तो हम कन्वीनियंस की तरफ चले जाएंगे, फिर अगली बार क्या कर रहे हैं, जिनके अंदर स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स, मैं इसकी मिसाल देता हूँ कि मुझे MBBS डॉक्टर्स के ऊपर रिसर्च करनी है, तो मुझे कौन चाहिए, डॉक्टर। अब डॉक्टर जो है वो मेरे प्रपोजिव है कि मैं इधर उधर नहीं जाना, सीधा जहां डॉक्टर में MBBS मिलेगा मैंने उससे डाटा ले लेना, तो ये प्रपोजिव सैंपलिंग हो गया, ठीक है। पहले में जाते तो फिर कन्वीनियंस होता। 27 अवेलेबल डेट इज प्री अज्यूम्ड
टू काज अ चेंज इन अनदर वेरिएबल, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके ऊपर, जिसकी वजह, जिसकी ऊपर चेंज आ रही होती है किसी और वेरिएबल की वजह से, उसके ऊपर चेंज आ रही होती है डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। और जो चेंज का सबब बनता है, जिसको मैनिपुलेट किया जाता है, जो चेंज करता है उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। जो चेंज होता है वो डिपेंडेंट, जो चेंज करता है वो इंडिपेंडेंट। अ डैश इज अ सबसेट ऑफ, ये पहले बात हो गई, सैंपल इज अ सेट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, सैंपल इज अ सेट ऑफ पॉपुलेशन। टेस्ट आइटम इन विच एग्जामिनीज टेस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट वन आउट ऑफ टू ऑप्शन, दो ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना हो, तो इससे वैसे हम अल्टरनेट रिस्पॉन्स कहते हैं, ट्रू फॉल्स बोलते हैं कि एक है मिसाल के जहां पे तो होना मोर देन वन, तो फिर अब दो ऑप्शन हो, अल्टरनेट हो, एक दोनों में से जरूर होना है, तो ये अल्टरनेट रिस्पॉन्स आइटम होता है, सी होना चाहिए, ए ठीक नहीं होना चाहिए, ए नहीं होगा, जा सकते हैं कि जहाँ तक, लेकिन सी ज़्यादा अप्रोप्राइट है क्योंकि इसके अंदर हम, हमारे पास दो ऑप्शन है। इंटीग्रेशन एंड एप्लीकेशन हाई लेवल स्केल आर स्ट्रेस्ड ट्रेनर, जब बच्चे की हाई लेवल स्केल हमने जांच की तो एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स आइटम बोलेंगे, बड़े बड़े सवाल बच्चा अपने जितना मर्जी लिखे हम उसकी जानना चाहते हैं साहित्यों को, हाई राइटिंग स्केल या कोई स्केल देखना चाहते हैं तो एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स आइटम यूज करेंगे। द कीवर्ड एग्जामन, एग्जामन का मतलब क्या होता है, एनालिसिस करना, जांचना किसी चीज को। द करिकुलम प्रेजेंटेड बाय एक्सपर्ट, जो करिकुलम एक्सपर्ट देते हैं उसे कहते हैं रिकमेंडेड करिकुलम, क्या बोलते हैं रिकमेंडेड, यानी ये एक्सपर्ट लोगों ने रिकमेंड दिया है, इज रिकमेंडेबल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर अचीवेबल इन द क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर ऑब्जेक्टिव अचीवेबल है, लेकिन तीन एम गोल ऑब्जेक्टिव, एम्स क्या होते हैं, वो ब्रॉडर लेवल पे होते हैं, मुल्क लेवल पे होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर होते हैं, जो हमारे पास गोल्स होते हैं ये हमारे पास होते हैं क्लासरूम लेवल के ऊपर होते हैं, और जो ये होते हैं ये सब्जेक्ट लेवल के ऊपर होता है कि फलां टॉपिक, टॉपिक लेवल, कोर्स आउटलाइन के ऊपर, ऑब्जेक्टिव जो होता है अचीवेबल होते हैं। एम का मकसद क्या होता है, लॉन्ग टर्म होते हैं, यानी हमने कंप्यूटर लिटरेसी रेट पाकिस्तान का बढ़ाना है, कंप्यूटर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये एम हो गया, कैसे करना है, कब करना है, कि ये बातें यहाँ पे नहीं होती। इन द क्लास ऑब्जेक्टिव कैन बी, क्लास के अंदर ऑब्जेक्टिव अचीवेबल होते हैं, सोलो बिग्स एंड कॉलेज थी, स्ट्रक्चर ऑफ लर्निंग आउटकम, जिसके अंदर हम चार बातों के बात करते थे, यूनिट स्ट्रक्चर, मल्टी स्ट्रक्चर, रिलेशनल एंड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, सोलो स्टैंड स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ लर्निंग स्टूडेंट, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, ठीक है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। वट डू वी वॉन्ट टू अचीव एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये ऑब्जेक्टिव होता है, मकसद क्या है, यही है ना कि हम एट द एंड हम अचीव क्या करें, ऑब्जेक्टिव ही हमें बताएंगे कि हम आखिर में हमारा मकसद क्या है, आज का टॉपिक है मेरा मकसद क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रॉडेस्ट इन नेचर, का ब्रॉडेस्ट इन एम जो है वो ब्रॉडेस्ट इन नेचर है, ठीक है। इंटेंडेड आउटकम ऑफ एनी प्रोग्राम आर एक्टिविटी इज आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, जो आउटकम हमारे होते हैं एक्टिविटी वो ऑब्जेक्टिव भी डिसाइड करेंगे ना, जो भी हुआ ऑब्जेक्टिव मेजर है। अब ब्रॉड अ जनरल स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, दैट रिफ्लेक्टिंग द अल्टीमेट एंड टूवर्ड विच द टोटल एजुकेशनल प्रोग्राम, इन पूरे को साल के अंदर हमने क्या करना है, तो ये गोल्स के अंदर आ रही होगी बात। Reflects the purpose of a particular unit or level of a school program such as elementary, middle level or high level, तो उसे general objective बोलते हैं, ठीक है, यानी जो high level होते हैं objective, middle, high level, इस तरह के से general objective बोलते हैं। थकावट हो रही है, ऑब्जेक्टिव कैसे बताऊं, ऑब्जेक्टिव देखो एक क्लासरूम लेवल के ऊपर होते हैं, ऑब्जेक्टिव ही हमारी आउटकम डिसाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव ही हमारे एट द एंड आउटपुट डिसाइड कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्टिव छोटे छोटे होते हैं जिसको हम क्लासरूम के अंदर अचीव कर लेते हैं, यानी आज का टॉपिक ये है, इस टॉपिक से आप ये सीखेंगे, ठीक है, ये वाली बातें, ये एलिमेंट्री कुछ भी, ये कहीं भी हो सकते हैं, किसी यूनिट के भी हो सकते हैं। गोल जो होते हैं ये थोड़ी ब्राडर होते हैं, सब्जेक्ट लेवल के होते हैं, साल साल का इसका टाइम होता है, कुछ टाइम इसका होता है, इसके अंदर हमने अचीव करना होता है। एम जो है हमारी बातें होती है, उसमें टाइम बाउंड नहीं होती, ठीक है, ये आप मेरा लेक्चर जो है ना एम गोल ऑब्जेक्टिव के ऊपर देख लीजिएगा, फ्रूटफुल रहेगा। 44 द स्टेज वेयर द स्टूडेंट हैव अंडरस्टैंडिंग टू ऑर्गेनाइज एंड अरेंज मटेरियल मेंटली इज कॉल्ड, ये कंप्रीहेंशन है, मुझे लगता है मैं थकावट हो रही है तो मुझे 50 पे बस करनी चाहिए। द स्टेज वेयर द स्टूडेंट हैव अंडरस्टैंडिंग टू ऑर्गेनाइज, के वो ऑर्गेनाइज भी कर सकता है, अरेंज भी कर सकता है, तो ये कम्प्रीहेंशन बोलेंगे, यानी देखो एक हम नॉलेज लेवल के ऊपर है, हमने अच्छी रोटा लगा लिया, अब हम उन चीज़ों को तर्जमा कर सकते हैं, चीज़ों को आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं ये कर सकते हैं, तो इसको हम जनरल ऑब्जेक्टिव ये बोल रहे थे कम्प्रीहेंशन। सोलो टैक्सोनॉमी किसने दी थी, बैगन कॉलेज ने दी थी, और ये टेस्ट बनाने के लिए होती है। टीचर मेड टेस्ट कवर क्या करता है कि नैरो टीचर जो बता
आता है ना टेस्ट, वो उसका होता है कि ये बच्चों को टीचर कहता है जी आज बच्चे ना मैं देखता हूँ किसको नहीं आता, टीचर मुश्किल सवाल दे देगा, यानी वो जनरल एक बना रहा होगा और उसके अंदर वो कंटेंट उसका फोकस होगा, बाकी बहुत चीज़ें रह जाती हैं। और जो स्टैंडर्डाइज बनाते हैं ना वो हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। असेसमेंट टूल डेट टीचर यूज टू मोनिटर स्टूडेंट प्रोग्राम, जो स्टूडेंट जो प्रोग्राम को मॉनिटर करने के लिए, मॉनिटर वही प्रोग्रेस देखने के लिए कि बच्चे ने कितना कुछ सीख लिया, इसे फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल बोलते हैं। 48 असेसमेंट टूल डेट टीचर यूज टू नो द एक्चुअल स्टेटस ऑफ स्टूडेंट कम्युलेटिव लर्निंग आर कॉल्ड, यानी कंप्लीट उसकी लर्निंग चेक करनी है तो सबमिटिव एवैल्यूएशन हो जाता है, ठीक है, यानी कंप्लीट लर्निंग देखनी है। टेस्ट डेवलप्ड बाय अ टीम ऑफ एक्सपर्ट, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बोलते हैं जो एक्सपर्ट लोग बनाते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट हैव डिफाइंड यूनिक फीचर, इंक्लूसिंग यूनिक फीचर होते हैं, क्या होते हैं, तो इसमें फिक्स सेटअप, एक तो स्कोर उसके फिक्स सेटअप आइटम होते हैं, प्रॉपर स्कोरिंग होती है, ऑब्जेक्टिव को उसको मद्देनजर रखा जाता है और जो स्टूडेंट होता है उनको मद्देनजर रख के उनके अकॉर्डिंग बनाया जाता है, सारी चीज़ें होंगी। हाई टेक्निकल क्वालिटी जो है ना उस स्टैंडर्डाइज टेस्ट बनाने वाले लोग जो है ना वो बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं। नॉर्म आर बेस्ड ऑन नेशनल सैंपल ऑफ स्टूडेंट इन द ग्रेड, स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, यानी जहाँ पे नाम यानी बड़ी बड़ी चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है, असूलों को मद्देनजर रखना होता है, तो उसे हम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बोलते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं इनफ्लेक्सिबल होते हैं, यानी इसके अंदर ये नहीं होती कि ये नहीं आता तो ये कर दो फलां कर दो, नहीं, बड़े स्टैंडर्डाइज्ड ये बोर्ड का एग्जाम है वो पेपर बना दिया, अब यहाँ पे आके हमारा टीचर जो उसका इम्तिहान ले रहा है वो नहीं कहता बच्चों ये आपको नहीं आता चल इसको छोड़ दो मैं एक और आपको बोर्ड के ऊपर सवाल लिखवा देता हूँ वो कर दो, यानी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, इनफ्लेक्सिबल होता है। नेशनल एजुकेशन असेसमेंट सिस्टम, ये NEAS नेशनल एजुकेशन असेसमेंट सिस्टम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ बनाया था, सेक्टर रिफॉर्म एक्शन प्लान ये कोई मिनिस्ट्री है उसके अंदर इसको बनाया गया था। पीसा, पीसा क्या है, पीसा एक टेस्ट है, ये यूरोप कंट्रीज में चलता है, दुनिया के अंदर बल्कि इसकी मांग है, एशिया के मुल्क सिंगापुर जापान ये बहुत से मुल्क इसका हिस्सा लेते हैं, और जो मुल्क इसके पीसा टेस्ट के अंदर जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है ना, रैंकिंग ज़्यादा होती है, वो फिर ज़्यादा एजुकेशनिस्ट गिना जाता है कि ये मुल्क एजुकेशन के अंदर बहुत अच्छा है, लोग इसके ऊपर बहुत पैसा खर्च करते हैं। तो ये जो है ना ये इंटरनेशनल असेसमेंट प्रोग्राम है पीसा, ठीक है, ये एक टेस्ट है जहां स्टूडेंट डिफरेंट कंट्रीज के स्टूडेंट टेस्ट देते हैं और उस बुनियाद पे अपनी एजुकेशन के अंदर बढ़तरी को शो कर रहे होते हैं। इसके अंदर पीसा के अंदर नॉलेज कंप्रिहेंशन एप्लीकेशन को देखा जाता है, वैसे मैथ वगैरह इस तरह के सवाल इसके अंदर होते हैं। पीईसी पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन है जो पांचवीं और आठवीं के एग्जाम जो है ना वो लेते हैं, और अब तकरीबन ये खत्म हो ही गया है, लेकिन अभी LSA क्योंकि उन्होंने रोजी रोटी तो कमानी है, अभी LSA के नाम लार्ज स्केल असेसमेंट इस तरह के नाम से पैसा जाया करवाते हैं लोग, टीचर का भी अपना भी, और बस ये मुझे तो ड्रामा ही लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, पिज्जा के अंदर पिज्जा के अंदर जो है ना रीडिंग मैथ साइंस लाइब्रेरी शामिल होती है, और विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड प्रेजेंट अ पर्सन ओपिनियन नॉलेज एंड इनफॉर्मल, जहाँ पे ओपिनियन नॉलेज इन्फॉर्मेशन की बात है तो इसका मतलब है कि बंदे क्या इन्वॉल्व होगा, कॉग्निटिव कंपोनेंट इन्वॉल्व होगा। थ्योरी एक्स एंड वाई, थ्योरी एक्स एंड वाई MC ग्रेगर ने दी थी, डॉगलस MC ग्रेगर का आता है, एक्स वाले लोग हैं ये बड़े लेजी होते हैं, काम से नफरत करते हैं, काम से अवॉइड करते हैं, भागते रहते हैं, बस सुस्त तबाह होते हैं, और जबकि वाई वाले ऑलरेडी मोटिवेटेड होते हैं, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, काम को करना जानते हैं, लीडरशिप स्किल्स होती हैं, अच्छे बंदे होते हैं, प्यार आता है इनके ऊपर। और जो इसके अलावा जो एक्स वाले हैं ये नेगेटिव काउंट किया गया है। 65 है द इनर ड्राइवर डेट डायरेक्ट अ पर्सन बिहेवियर टुवर्ड्स गोल अटेनमेंट, तो ये मोटिवेशन होती है जो गोल अटेनमेंट की तरफ लेके जाती है, यानी खुद हमारे अंदर मेरे अंदर आग लगी हुई है कि मैं आप लोगों को लेक्चरर एजुकेशन बनाऊं, मैं हेडमास्टर बनाऊं, मेरे स्टूडेंट कामयाब होने चाहिए, ये जो आग मेरे अंदर लगी हुई है ये मेरी इंट्रेंसिक मोटिवेशन है। द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन ये कौन सी है, फियर एंड पुनिशमेंट, डरा दो नहीं करता तो भाई इतने मार पवेगी, और यानी फियर एंड पुनिशमेंट जो है ना ये सबसे समझे गए ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, बच्चा नहीं पढ़ता चपेड़ा मारो इन्हें, इसको इंट्रेंसिक मोटिवेशन नहीं देने वाले चपेड़े मारने हैं। इलिमिनेशन एनी रीइंफोर्समेंट, किसी चीज को खत्म करना, किसी तो इसे एक्सटिंक्शन कहते हैं, किसी चीज को खत्म होना क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्शन बोलते हैं। एट द स्कूल एज अ स्कूल हेड यू गाइड योर स्कूल टीचर्स इन अप्रोप्रिएट डायरेक्शन एंड हाउ यू आर डिस्प्लेइंग इन बिहेवियर, के एज द स्कूल हेड, अच्छा आप स्कूल के हेड हैं और यू गाइड योर स्कूल टीचर्स, आपने स्टूडेंट कहते हैं कि भाई इन अप्रोप्राइट इस तरह करो, और यू आप किस तरह का लीडरशिप का रोल अदा कर रहे हैं, बेसिकली गाइड कर रहे हैं, हम गाइड अथॉरिटेटिव में गाइड नहीं होगा, ठीक है, वो तो आएगा। और ये थ्योरी वाई ये क्या कह रहे हैं,
अब ये बिहेवियर तो एक इंडिविजुअल का बिहेवियर होता है, ये थ्योरी ये लीडरशिप हो सकता है, ठीक है, कि बंदा उसको कहता है कि समझाता है कि इस तरह करो। कम्युनिकेशन स्टार्ट आइडिया ओरिजिनेशन है, आइडिया नहीं होगा तो कम्युनिकेशन कहाँ से होगी, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग कंसीडर एडमिनिस्ट्रेशन इन द वे प्लान टू ऑर्गेनाइज कमांड कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल एजुकेशन। ये फायर की जो थ्योरी है ना उसके अंदर ये कही गया है कि जो प्लान करो ऑर्गेनाइज करो और उसके अलावा जो है वो कमांड कोऑर्डिनेट कंट्रोल सारी बातें करता है, ठीक है। There are two theories, वो पी ओ ट्रिपल सी नहीं है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कंट्रोलिंग कोऑर्डिनेटिंग और कमांडिंग, ये इसने दिया था, फाइल में दिए थे ये पांच। अच्छा, देर आर टू थ्योरीज लीडरशिप की, दो थ्योरी, एक होती है ट्रेड थ्योरी, एक होती है बिहेवियरल थ्योरी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मिट्सबर्ग, वन इफ द मैनेजमेंट इंटरपर्सनल रोल इज ऑफ, ये आपने याद कर लेंगे, मुझे बता देता, मुझे नहीं पता इसका, ये लीडर है बस जो आप। एनीवे, थ्योरी लीडरशिप इज मल्टी डायमेंशनल। सिचुएशन थ्योरी क्या होती है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग टीचर को अपना रवैया चेंज करना होता है, तो ये जो होती है सिचुएशनल थ्योरी होती है, विच इज नॉट, वन इज नॉट इंक्लूडेड इंडिविजुअल लेवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल शिप, विच वन इज नॉट इंक्लूडेड इन इंडिविजुअल लेवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल शिप। लीडरशिप क्या है, मुझे नहीं पता इसका। लीडर परफॉर्म इंटरपर्सनल रोल, लीडर क्या परफॉर्म करते हैं, इंटरपर्सनल रोल परफॉर्म करते हैं, यही ना, सबके साथ अच्छे ताल्लुक बना के रखना, सबको मोटिवेट करना, सबको इंस्पायर करना। अ क्लासरूम कान बी वार्म चेरी प्रेस स्टूडेंट इंजॉय, ये इन्वायरमेंटल होगा ना, इन्वायरमेंट के अंदर आएगा कि ऐसा इन्वायरमेंट दिया जिसके अंदर ये हो। ऑपिक ऑब्जेक्ट गैर साफ चीजें, स्टिल इमेज जिसके अंदर होती है। विच आर फॉलोइंग इज द गाइडलाइन इफेक्टिव यूजिंग विजुअल एड्स, कौन सा विजुअल एड जो इफेक्टिव होगा। यू एड द रिक्वायर नो एक्सप्लेनेशन, होगा भाई कोई तो एक्सप्लेनेशन दो। एड डेटा अप्रोप्राइट स्पीच टॉपिक किसी हद तक, अच्छा जी। यूज एड डेट सर्व अ डेफिनेट पर्पज, सर्व करे, ठीक है, सारी बातें ठीक है जी, ये मान लें उसको। चाक बोर्ड, प्रोसिलीन बोर्ड, ये सारे डिमॉन्स्ट्रेशन बोर्ड्स के अंदर आएंगे ना, जिनके ऊपर बोर्ड्स हैं, प्रोसिलीन बोर्ड, फिर सबको ऊपर हम चीज़ों को समझाते हैं, वजाहत करते हैं, तो डिमॉन्स्ट्रेशन बोर्ड होगी। सोशल मीडिया यहाँ पे कौन सा है, ये फेसबुक सोशल मीडिया है। विच टाइप ऑफ ग्राफ इज सूटेबल फॉर शोइंग जनरल डिस्ट्रीब्यूशन, किसी चीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन शो करनी है तो वो बार पाई ग्राफ, पाई करते हैं वो दायरा होता है और उसमें बना होता है कि 60% ये है, 30% ये है, 5 ये है, 2 3 ये है, 2 ये है, इस तरह का जो रिप्रेजेंटेशन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है चीज़ों की, पाई ये निकाल कट किए होते हैं, फिर रोटी गोल और उसके कट किए होते हैं, तो इसको पाई चार्ट बोलते हैं। द डैट डिफेक्ट डिफेंस एंड सेट ऑफ फिगर ड्यूरिंग द सेम आर ब्रीफ एंड टू स्पॉन, ये बार ग्राफ क्या होता है कि जिसके अंदर वो बार बनी होती है, यानी आप इस तरह लाइन निकालेंगे एक बार दूसरी, अभी हमें बता रहा है कि उसकी फिगर के ये वाली इतनी वैल्यू है, इसकी इतनी वैल्यू है, इसकी इतनी वैल्यू है, तो इस तरह करके जो फिगर ड्यूरिंग द सेम और ब्रीफ टाइम स्पान के अंदर बता रहा होता है, इतने टाइम के अंदर ये इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, इस तरह का बता रहा होता है, ये बार ग्राफ होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड एडवाइस फॉर यूजिंग हैंड, हैंड आउट्स कहते हैं नोट्स वगैरह देना, तो क्या नोट्स कब देने चाहिए, बच्चों को पहले दे देने चाहिए, बच्चों को बाद में नोट्स देने चाहिए, देने ही नहीं चाहिए, बच्चों को नोट्स दे देने चाहिए, पहले दे देने चाहिए ताकि उनके पास पता हो कि ये सोर्स है, ये चीज़ें हमारे पास है, इनको हमें चीज़ें एलैबोरेट करना, तो ये नॉट, ये नॉट की बात की है ना ऊपर, तो या नॉट बिफोर द स्पीच प्रेजेंट, बेसिकली स्पीच से पहले देना होता है, ठीक है ना। विजुअल एड शुड बी विजिबल, विजुअल एड वही होते हैं जो विजिबल हों, एज दे आर रेफर टू इन द स्पीच, यानी ऐसी उनके ऊपर चीज़ें बनी हों कि वो बोल रही हों, यानी जो विजुअल एड्स होते हैं ऐसा ऐड होना चाहिए कि अगर उसके अंदर जो है वो बात नहीं भी की गई लेकिन वो तस्वीरें जो हैं वो बोल रही हैं। वेचर फॉलोइंग इज रीजन टू यूज अ हैंड आउट, हैंड आउट इसे यूज करना चाहिए कि हमें एक रेफरेंस मटेरियल होता है कि कहाँ से क्या बात की जा गई है। विजुअल एड शुड ओनली यूज वेन दे आर, कब विजुअल एड को यूज करना चाहिए, जब ये जो है ना वो आर वेल रिहर्स्ड, यानी पता होना चाहिए क्या इसकी चीज है, क्या चीज एक्सप्लेन कर रही है, ऑडियंस अटेंशन, ये सारी चीजें इसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अ सिस्टम डेट इंक्लूड द इंटरएक्टिव व्हाइट बोर्ड कंप्यूटर आर प्रोजेक्टर एंड व्हाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर फॉर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस इज, स्मार्ट बोर्ड होता है ये, आप इंडिया वाले यूट्यूब चैनल के देखते हैं ना, तो स्मार्ट बोर्ड उसके ऊपर स्लाइड भी चल रही होती है, लिख भी रहे होते हैं, बटन दबाते हैं, रेज भी हो जाते हैं, स्मार्ट बोर्ड होता है जिसके ऊपर चीज़ों को प्रोजेक्टर, ये हर चीज प्रोजेक्टर के तौर भी काम कर रहा होता है, कंप्यूटर के तौर भी काम कर रहा होता है, व्हाइट बोर्ड के तौर पर काम कर रहा होता है, लर्निंग प्रोसेस आसान करता है स्मार्ट बोर्ड होता है। बट टाइप ऑफ ग्राफिक चार्ट इज सूटेबल फॉर डिपिक्टिंग द राइज
राइज ऑफ कैंसर रेट्स इन द अब यानी एक चीज बढ़ रही है ऐसे ऐसे करके राइज ऑफ किस तरह कितने टाइम में किस तरह बढ़ रही है चीजें कब कम हुई कब ज्यादा हुई तो ये लाइन ग्राफ होता है इसका ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डिसएडवांटेज टू यूजिंग कंप्यूटर रेंडर्ड कंप्यूटर को लिए ये होता है कि कंप्यूटर महंगे भी हो सकते हैं ये फेल भी हो सकते हैं सम टाइम डिवाइस ना भी काम करे सारी बातें हो सकती हैं। फिल्म जो होती है ना ये मूव एंड प्रोजेक्शन होती है मूव करने वाले होते हैं। समराइजिंग द पॉइंट्स एंड टू प्रेजेंटेशन विदाउट यूजिंग ग्राफिक ट्यूटोरियल यानी जब हम ना को ग्राफ का यूज करके नहीं बता रहे तो इसमें वर्ड चार्ट होगा वो अल्फाज होंगे। कैन बी यूज व्हेन द ओरिजिनल आर्टिकल इज लार्ज एंड अनमैनेजेबल आर सिंपली नॉट अवेलेबल। ये मॉडल देखो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ जंग है उसको मैंने पहले एक मॉडल बनाया कि यहाँ ये डिपार्टमेंट होगा ये होगा यहाँ ये क्लासें होंगी एक बड़ी यूनिवर्सिटी छोटे मॉडल के ऊपर चीज़ों को मैंने ड्रा किया है उसकी प्रेजेंटेशन की है कि वो ऐसे होगी। तो इसको जो हम बोल रहे थे सिर्फ बोल रहे थे मॉडल्स बोल रहे थे कि उस फलां चीज़ का मॉडल है फलां फैक्ट्री का फलां चीज़ का फलां रोड का मॉडल डैश इलस्ट्रेट हाउ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज अवर टाइम। तो ये उसी के अंदर आएगा लाइन ग्राफ के अंदर के न्यूमेरिकल वैल्यू है वो टाइम अंदर चेंज हो रही है ऐसे ठीक है चेंज अवर टाइम। जबकि यही देख लें आप जब ग्राफ के अंदर वो करते हैं बार ग्राफ के अंदर वो तो एक सीधी पट्टी होती है वो उसके अंदर टाइम चेंज तो नहीं हो रहा और जो इसके अलावा पाई ग्राफ है उसके अंदर भी आप सिर्फ पाई है ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग विजुअल एड इन अ स्पीच इज टू क्लैरिफाई कंटेंट इंक्रीज ऑडियंस एड इंटरेस्ट। द ऑब्जेक्टिव फॉर यूजिंग विजुअल एड इन अ स्पीच तो वो किस लिए विजुअल एड हम शामिल करते हैं यही कि जो जिनको पढ़ाया जा रहा है उनको समझ आ जाए ऑडियंस जो है वो इंक्रीज ऑडियंस को करने के लिए उनका इंटरेस्ट डिवेलप करने के लिए। अ स्केल मॉडल फिजिकल ऑब्जेक्ट ड्राइंग एंड पीपल आर आर कंसिडर टू बी ये विजुअल एड होंगे ठीक है मॉडल सारे विजुअल ही होते हैं। विजुअल एड नीड टू बी कैसा होना चाहिए विजुअल एड अप्रोप्राइट फॉर द सिचुएशन हाँ अप्रोप्राइट लार्ज एनफ टू बी सीन इन द बैक ऑफ द रूम बिल्कुल बड़ा होना चाहिए रिहर्स टू बी यूज इफेक्टिवली रिहर्सल की जाए ताकि अच्छी तरह यूज किया जा सके। 99 है अ ग्राफिकल इलस्ट्रेट द वैल्यू ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज विद द सिक्वेंस ऑफ कॉलम इज कॉरस्पॉन्डिंग इन हाइट एंड लेंथ टू ईच एटम बीइंग मेजर्ड। मैंने वो हाइट एंड लेंथ की बात की कि इस तरह इतना चौड़ा एक ग्राफ दूसरा तीसरा और लाइनें लगी होती हैं ऐसे लाइन लगा रही एक लाइन दूसरी छोटी तीसरी बड़ी चौथी इस तरह करके जो बार ग्राफ ये बार ग्राफ होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव गाइडलाइन फॉर प्रिपेयरिंग टू यूज अ विजुअल एड कौन सा नहीं है एड शुड कंटेन ये ज्यादा एड मटेरियल यानी आप जो एक बड़ा सा पन्ना फ्लेक्स बनवाते हैं उसके ऊपर लिखा ज्यादा नहीं होना चाहिए कम लिखा हुआ बस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो। उम्मीद समझ आ गई होगी कोशिश की थोड़ा जल्दी समझाने में और गर्मी सितंबर का महीना है आज 9 सितंबर है और गर्मी यूं पड़ रही है कि जैसे ना जून की गर्मी हो और पंखा बंद किया बुरी हालत हो रही है तो भी थोड़ी जल्दी भी करनी पड़ी तभी कहीं ना कहीं चीज़ें भूल भी जाती हैं। उम्मीद है कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ होगा 100% परफेक्शन दुनिया में नहीं होता कुछ ना कुछ अगर समझ आ रही है तो ये काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा जज़ाकअल्लाह।